जिसे अमूमन सभी किसी न किसी रूप में पसंद करते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि दूध को बड़े पैमाने पर आवश्यक पोषक तत्वों से फोर्टिफाई किया जाता है। आइए जानकारी लेते हैं दूध में सफल फोर्टिफिकेशन कब और कैसे किया जाता है। ये डेयरी का दूध संकलन क्षेत्र है। यहाँ पर दूध की प्राप्ति के समय ही उसकी गंध, तापमान, अपीयरेंस, सेडिमेंट, एसिडिटी आदि की जांच की जाती है। इसके बाद दूध की गुणवत्ता का पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए प्रयोगशाला में कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट किए जाते हैं। अब बारी आती है होमोजेनाइजेशन और टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल फैट की जरूरत के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन की। फिर शुरू होती है दूध में फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। 50 मीट्रिक टन दूध को फोर्टिफाई करने के लिए 1 किलोग्राम प्रीमिक्स को वाटर बाथ में 40 से 45 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है। गर्म करते समय इसे बीच बीच में हिलाया जाता है। गर्म किए गए प्रीमिक्स को दूध की कुछ मात्रा में मिलाकर प्रीब्लेंड बनाया जाता है। प्रीब्लेंड में प्रीमिक्स और दूध का अनुपात 1:50 से 1:100 के बीच होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर बनाए गए इस प्रीब्लेंड को दूध में मिलाया जाता है। प्रीब्लेंड के भली भांति दूध में मिल जाने के बाद पाश्चीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस फोर्टिफाइड दूध को 4 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। अब बारी आती है फोर्टिफिकेशन की जांच की। फोर्टिफाइड दूध में विटामिन ए की जांच के लिए रोजाना दूध के हर बैच से सैंपल को एकत्रित किया जाता है। दूध को अच्छी तरह से मिलाकर 200 ml तक का सैंपल कागज या एल्यूमिनियम फॉइल से चारों ओर से ढके बीकर या चौड़े मुंह वाली कांच की बोतल में लेकर तुरंत प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सैंपल को बाद में टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए सैंपल को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा जाता है। सैंपल से जुड़ी कुछ खास बातें। सैंपल लेने वाले उपकरण साफ और सूखे होने चाहिए। सैंपल बॉटल्स को कसकर बंद करना चाहिए और सूरज की रोशनी से बचाकर रखना चाहिए। सैंपल के लेबल पर बैच नंबर, नमूना एकत्र करने का समय, तारीख और अन्य आवश्यक जानकारियां अंकित होनी चाहिए। पैकेजिंग से पहले फोर्टिफाइड दूध में विटामिन की उपलब्धता की जांच के लिए ब्लू कलर टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए 30 ml दूध को 50 ml की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेते हैं। इसमें 10 ml 2 प्रोपेनॉल डालकर इसे हाथ से या वर्टेक्स मशीन में 1 मिनट अच्छी तरह से हिलाया जाता है। अब इसमें 10 ml एन हेप्टेन और थोड़ा सा सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड मिलाकर इसे हाथ से या वर्टेक्स मशीन में 1 मिनट हिलाया जाता है। इसे अब 3000 RPM पर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर इकट्ठे हुए पीले रंग की ऑर्गेनिक परत को पाश्चर पिपेट की सहायता से नई टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। इसमें से 2 ml ऑर्गेनिक भाग को नई टेस्ट ट्यूब में लेकर इसमें 0.5 ग्राम फ्लोरोसिल मिलाया जाता है। अब 3 ml ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। इसे डालते ही टेस्ट ट्यूब में नीला रंग आ जाता है, जो दूध में विटामिन ए की उपलब्धता का प्रमाण है। फोर्टिफाइड दूध में विटामिन की वास्तविक मात्रा को जानने के लिए 500 ml के सैंपल को NABL अधिकृत प्रयोगशाला में भेजते हैं। FSSAI ने फोर्टिफिकेशन के लिए सतत प्रयास किए हैं, जिनका नतीजा है कि भारत सरकार ने इसे अगस्त 2018 में अपने राजपत्र में शामिल करते हुए फोर्टिफिकेशन के मानक निर्धारित किए हैं। मानकों के अनुसार 1 लीटर फोर्टिफाइड दूध में विटामिन ए की मात्रा 270 से 450 माइक्रोग्राम और विटामिन डी की मात्रा 5 से 7 माइक्रोग्राम है। फोर्टिफिकेशन का प्लस एफ का ये लोगो गारंटी है पोषक तत्वों से भरपूर दूध की। सभी सैंपल्स की संतोषप्रद रिपोर्ट्स आने के बाद पौष्टिक गुणों से भरपूर फोर्टिफाइड दूध को पैक कर घरों तक पहुंचाया जाता है। अंत में दूध में फोर्टिफिकेशन से जुड़ी
कुछ और खास बातें। प्रीमिक्स प्राप्ति के दौरान सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यानी COA की जांच होनी चाहिए। प्रीमिक्स की बोतल पर अंकित बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को जांच लें। प्रीमिक्स में मिलाए गए विटामिन बहुत संवेदनशील होते हैं। इसे सूर्य की रोशनी से दूर सूखे स्थान पर 20 से 25 डिग्री के तापमान पर दूसरे रासायनिक पदार्थों से दूर रखा होना चाहिए। प्रीमिक्स का उपयोग पहले आए पहले जाए यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर होना चाहिए। प्रीमिक्स की प्राप्ति और वितरण की जानकारी दैनिक रूप से स्टॉक रजिस्टर में लिखित हो। स्टोर में कम से कम 3 माह का प्रीमिक्स उपलब्ध रहे ताकि फोर्टिफिकेशन में कोई बाधा न आए। प्रीमिक्स की खपत और फोर्टिफाइड दूध का उत्पादन रिकॉर्ड नियमित रूप से प्रतिदिन सही तरह से होना चाहिए। डेयरी में उपयोग होने वाली पानी की क्वालिटी टेस्टिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। दूध के फोर्टिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां www.ffrc.fssai.gov.in पर उपलब्ध है। इन सारी बातों का ख्याल रखकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विटामिन ए और विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड दूध न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाएगा बल्कि ये हमारी हड्डियों को भी रखेगा मजबूत।